महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत को साबित कर दिया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले शिंदे सेना ने सत्ता के फाइनल में भी जीत हासिल कर ली है। उनकी सरकार के समर्थन में कुल 164 वोट पड़े हैं, जबकि 99 वोट उनके विरोध में पड़े हैं। विधानसभा में विश्वास मत की वोटिंग के दौरान कुछ हंगामा भी हुआ था। यहाँ जब विधायक प्रताप सरनायक ने शिंदे सरकार के सपोर्ट में वोट किया, तब उद्धव गुट के विधायकों ने ईडी के नारे लगाए थे। इस घटना पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधा है। विधानसभा में अपना बयान देते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हाँ, महाराष्ट्र में ईडी की मदद से सरकार बनी है। इसमें ई का मतलब है एकनाथ शिंदे और डी का मतलब है देवेंद्र फडणवीस। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे यह भी कहा कि मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन जब मैंने ऐसा कहा था तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं वापस आया हूं और उन्हें यानी एकनाथ शिंदे को अपने साथ लाया हूं। मैं उन लोगों से बदला नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था। फडणवीस ने अपने बयान में आगे यह भी कहा कि 2019 में उनके गठबंधन को सरकार बनाने का नंबर मिला था, लेकिन उनको 70 से दूर रखा गया। लेकिन अब एकनाथ शिंदे के साथ हमने दोबारा शिवसेना के साथ सरकार बनाई है। एक सच्चे शिवसैनिक को सीएम बनाया गया है। पार्टी कमांड के कहने पर मैंने डिप्टी सीएम का पद संभाला है। बता दें कि इससे पहले रविवार को स्पीकर के चुनाव में भी भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी राहुल नार्वेकर भी इतने ही वोट हासिल करके जीते थे। बहुमत परीक्षण से इस बात पर मोहर लग गई थी कि फिलहाल एकनाथ शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।